राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, मैं गुना से सांसद हूं, ये मेरा सौभाग्य है, मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा ये कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जिन सीटों पर कांग्रेस पिछले कई सालों से नहीं जीत पाई थी, वहां से मजबूत उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस, ये हमारी रणनीति है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं इस चुनावी मैदान और इस चुनावी समर में जनता का झंडा का आगाज करने। मैंने आपको पहले भी कहा था, विधानसभा के चुनाव के समय ये कांग्रेस की सत्ता की लड़ाई नहीं, ये जनता के लिए न्याय की है। और आज राष्ट्र स्तर पर मुद्दा यही जो राहुल गांधी उठा, कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, एक क्रांति है, और न्याय लाना, विकास लाना, प्रगति लाना, यही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। एक एक लक्ष्य सर, पूरी सीटें जीतने के लिए फॉर्मूला लाए हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता, बड़े नेता हैं, ऐसे सीट पर फोकस करें जो बीजेपी के गढ़ बन जाती है। देखिए, ये नीति तो कांग्रेस हाईकमांड रही, लेकिन स्पष्ट रूप से ये जरूर सही भी है कि उन सीटों में जहाँ कई सालों से हम वहाँ मजबूत उम्मीदवार हम, ये हमारा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो महत्वपूर्ण आए हैं, उसके आधार पर कांग्रेस की मजबूत नींव इन प्रदेशों से बनी है, इस बात का पूर्ण विश्वास है। और उसके लिए स्थानीय स्तर पर जहाँ कार्यकर्ताओं को मजबूती से हमने खड़ा किया, प्रत्याशी भी हमें मजबूत खड़ा करना होगा, जैसे विधानसभा चुनाव में हमने किया। चौकीदार जो आपका लगातार चल रहा है, ग्वालियर से आपका नाम चल रहा है, मैंने भी कहा है, आज भी कहा, कह रहा हूँ मैं कहाँ से लड़ूँ ये कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है और वो है विकास। मैं गुना का सांसद रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है गुना का सांसद रहते हुए पूरे मध्य प्रदेश में प्रगति लाने की कोशिश।